हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज लेके आई हूँ आम का इंस्टेंट अचार, जिसे आम का कूचा भी कहते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है और एक से दो दिन में ये बनके तैयार हो जाता है और खाने में भी उतना ही मज़ेदार होता है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 3 बड़े साइज़ का आम, जिसे मैंने अच्छे से छील के वॉश कर लिया है। ग्रेटर के मोटे वाले हिस्से से हम सारे आम को ग्रेट कर लेंगे, बारीक वाली से आप ना करें। तो इस तरह से सारे आम को हमने ग्रेट कर लिया है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे नमक और हल्दी। तो यहाँ पे हल्दी मैंने डाला है 1.5 चम्मच, नमक डाल देंगे 3 चम्मच के लगभग। तो जितनी ज़रूरत है नमक हम उससे थोड़ा अभी ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि बाद में अचार तैयार होने के बाद नमक अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी। नमक और हल्दी प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है। तो यहाँ मैंने नमक और हल्दी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। तो नमक और हल्दी को अच्छे से आम में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ मैंने अचार बनाने के लिए लगभग 500 ग्राम आम का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर नमक और हल्दी अच्छे से आम में मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। तो उसी थाली में आप पतली लेयर बिछा दें आम का और इसे 1 से 1.5 घंटे के या 2 घंटे के लिए धूप में डाल दें। नमक डालने के बाद थोड़ा पानी रिलीज होता है, तो वो अपने आप धूप में रख देने से ठीक हो जाएगी। यहाँ पैन में, एक तड़का पैन में मैंने ले लिया है 1.5 चम्मच पीली वाली सरसों। लो फ्लेम में इसे हल्का सा भून लेंगे हम, बिल्कुल हल्का सा हमें भूनना है 1 मिनट के लिए, और फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में 1.5 चम्मच सौंफ लेंगे और उसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। लगभग 1 मिनट के लिए हम इसे भी भून लेंगे, इसे भी प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे। तो मसाले यहाँ बहुत कम हैं, इसलिए दोनों मसालों को हम एक साथ पीस रहे हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हैं तो बेहतर होगा कि आप अलग अलग मसालों को पीस लें। तो यहाँ पे मसाले हमारे पीस गए हैं, तो हमें इस तरह से दरदरा सा इसका पाउडर बनाना है। बिल्कुल फाइन पाउडर हमें इसका नहीं बनाना है। अब कढ़ाई में 2/3 कप मस्टर्ड ऑयल हम गर्म करने के लिए रख देंगे। यहाँ हमने धूप से आम को हटा लिया है, अच्छे से धूप इनमें लग गई है। अब जो मसाला हमने पीसा था उसे ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है। तो मिर्च और नमक हमें अचार में एक्यूरेट नहीं, थोड़ा ज़्यादा डालना है। खटाई की वजह से जब अचार बनके तैयार होगी तो मिर्च और नमक अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर को भी अचार में अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ हो गया तेल हमारा गर्म, तो कर देंगे गैस को बंद इस वक्त। और सबसे पहले ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच काली वाली सरसों। जब सरसों क्रैकल हो जाए तब उसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सौंफ फेनल सीड, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून कलौंजी अनियन सीड। तब इस गर्मा गर्म तेल को हम अचार के ऊपर डाल देंगे। गर्म तेल डालने से अचार की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अचार में मैंने कोई भी विनेगर या कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। तेल को अच्छे से कर देंगे मिक्स अचार में और इसे एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल की क्वांटिटी को और भी बढ़ा सकती हैं। तो सारे अचार को इस बर्तन में हम ट्रांसफ़र करेंगे और 1 दिन इसी बर्तन में हम इसे रहने देंगे।
एक दिन इसे हम अच्छे से धूप लगा लेंगे, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का, ताकि इसकी सेल्फ लाइफ और भी बढ़ जाए और ये अचार जल्दी ख़राब ना हो। और धूप में रखने से इसका सारे मसाले और भी अच्छे से पक जाएंगे और इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैंने अचार को 1 दिन के लिए धूप में रख दिया था। तो अब इसे किसी ग्लास कंटेनर या बॉटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। जिस बर्तन में आप इसे रखें, ध्यान रखें कि वो अंदर से साफ और सूखा होना चाहिए। तो सारे अचार को हम इसमें बॉटल में डाल देंगे। तो सारे मसाले अचार में अच्छे से जज्ब हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा सा खुशबू फैल चुका है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और काफ़ी जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं। इसे आम का कूचा भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।